डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइंस क्लास ऑफ फिफ्थ ग्रेड। आई अंजलि राणा कमिट टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई क्लीग्स फ्रॉम COVID-19। आई प्रोमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस। आई प्रोमिस टू फॉलो एंड इनकरेज अदर्स टू फॉलो द की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, टू ऑलवेज वियर ए मास्क, फेस कवर स्पेशली वेयर इन पब्लिक प्लेसेस, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So, dear friends, today we will continue our chapter number 4, that is the nervous system, and we have completed up to here the brain part, that is cerebrum and medulla. Today we will continue from the spinal cord. The backbone consists of 33 vertebrae which makes a column. 33 vertebrae milkar kya banate hain? Column banati hain. In this column lies a bundle of thick rope like nerves called the spinal cord. Is column ke andar jo 33 vertebrae hoti hai hamari backbone ke andar, usme क्या होता है, नर्व्स लाई करती है। एक बहुत मोटी नर्व्स होती है, वो थिक होती है, रोप लाइक, रस्सी की तरह मोटी होती है, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेडुला एंड गोज डाउन टू द एंड ऑफ स्पाइन। मेडुला से स्टार्ट होता है वो और स्पाइन तक, एंड ऑफ द स्पाइन जो हमारी बैकबोन होती है उसके एंड तक वो क्या होता है, लाई करता है। नर्व्स फ्रॉम दिस स्पाइनल कॉर्ड आर स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स स्प्रेड होती है पूरी बॉडी तक। मैसेज ट्रेवल टू एंड फ्रो बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। जो भी मैसेज जाता है कहीं से भी जाए, ब्रेन तक जाए या फिर कोई भी बॉडी पार्ट तक जा रहा है, कहीं से कहीं तक भी जा रहा है, तो वो किसके थ्रू जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाता है। ओके, जो भी मैसेज रिसीव करते हैं, ब्रेन रिसीव करता है या ब्रेन से जो भी मैसेज हमें हमारी बॉडी पार्ट्स तक जाता है, तो वो किसके थ्रू जाता है, सारा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ये एक नर्व्स होती है, थिक नर्व। ओके, नेक्स्ट है नर्व्स। नर्व्स आर लाइक वायर्स दैट लिंक द होल बॉडी टू द ब्रेन। नर्व्स क्या होती है, एक तरह की वायर्स होती हैं, जैसे पतली वायर्स लगा लो, है ना, तो ये पतली वायर्स होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी से ब्रेन तक अटैच होती है, लिंक होती हैं। पूरी बॉडी की जो नर्व्स है वो ब्रेन के साथ लिंक होती हैं। नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। नर्व्स किससे बनती हैं, नर्व सेल से बनती हैं। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ नर्व्स। तीन टाइप की हमारी नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व्स। फर्स्ट है हमारा सेंसरी नर्व्स। These nerves are associated with the sense organ of our body. They carry information from eyes, nose, ears, tongues and skin to the brain. These are sense organs, है ना, सेंस organs हमारे होते हैं, इसलिए इसको सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन भेजती होती है, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे सेंस organ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या होते हैं, उससे ब्रेन तक पहुँचती हैं। किसके थ्रू, सेंसरी नर्व्स के थ्रू। ये हमारा सेंस ऑर्गन से ही एसोसिएट बना हुआ है, बताया है कि एसोसिएटेड विद सेंस ऑर्गन्स, है ना। तो जो भी हमारे सेंस ऑर्गन कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं वो उससे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है मोटर नर्व्स। दीज नर्व्स कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू आवर मसल्स और ऑर्गन्स एंड मेक देम मूव। मोटर नर्व्स क्या करती है, जो हमारे ब्रेन ने उसको रिप्लाई किया है, ये फिर ब्रेन से इन्फॉर्मेशन हमारे मसल्स तक पहुंचती है या फिर ऑर्गन्स तक, लाइक सेंसरी नर्व से अपोजिट है ये, है ना। तो क्या हो रहा है ये, एंड मेक देम मूव। जो भी हमारे बॉडी पार्ट ने या फिर हमारे सेंस ऑर्गन्स ने इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचाई थी थ्रू सेंसरी नर्व्स, वो वापस बैक होके आती है उसका रिप्लाई मोटर नर्व्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल द वाटरिंग ऑफ द माउथ एट द अरोमा ऑफ गुड फूड। जैसे हमारे टेस्ट लगा लो आप, कोई भी खाना है, खाने का स्वाद बताना है हमें कि टेस्टी है, तो ये किसके थ्रू होता है, मोटर नर्व्स के। हमने खाना खाया
वो खाने का क्वेश्चन उसके पास पहुंच गया कि ये खाना कैसा था, है ना। तो वो हमारे मोटर नर्व्स के थ्रू बताएगा कि ये खाना बहुत टेस्टी था। मिक्स्ड नर्व्स, दीज नर्व्स परफॉर्म बोथ द फंक्शंस, दैट इज दे कैरी मैसेज फ्रॉम आवर स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन एंड ब्रिंग बैक सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू। मिक्स नर्व्स कौन सी होती हैं, इसमें मिक्स होता है, ये सिग्नल्स को पहुंचाती भी है ब्रेन तक और ब्रेन से आगे वापस भी इसका आंसर मिल जाता है, मीन्स रिसीव भी करती है मैसेज को और बैक भी करती है। मिक्स्ड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ बोथ सेंसरी और मोटर फाइबर्स, दोनों से मिलकर बनती हैं ये, सेंसरी और मोटर फाइबर से। द सेम नर्व फाइबर नर्व्स परफॉर्म्स बोथ द टास्क, इसीलिए जो ये दोनों के दोनों टास्क परफॉर्म करती हैं ये, सेंस ऑर्गन से या बॉडी पार्ट से ब्रेन तक पहुंचाना सिग्नल्स, ये सेंसरी नर्व्स करती हैं, वापस किसके थ्रू होता है मोटर नर्व्स के थ्रू, बट जो मिक्स नर्व है वो दोनों ही काम अपने आप करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन, हाउ डू यू रिएक्ट इफ़ यू टच अ थॉर्न एक्सीडेंटली। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब हमें कोई भी चीज़ को हम टच करते हैं उसका एक्शन करना हमने परफॉर्म, ठीक है। जैसे हमने किसी कांटे को टच किया, कांटे को टच करने के बाद हमारा वापस हाथ उठ जाता है वहाँ से, तो वो कैसे होता है। यस, यू विदड्रॉ योर हैंड वेरी क्विकली विदाउट थिंकिंग, हम बिना सोचे ही अपने हाथ को वहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। लाइक लुक एट हेयर, यहाँ पर आपको थॉर्न पे आपने टच किया, आपने क्या किया इसको वापस हटा लिया, है ना। ऐसा तो नहीं है हम उसको लगाते रहेंगे उसमें से फिर ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, हमें कुछ पता ही नहीं है, है ना। बट हम क्या करेंगे, उसको टच करेंगे, टच करने से एकदम हमारा बैक हो जाता है अपने आप ही, ऑटोमेटिक ही हमारा हाथ बैक हो जाता है, बिना कुछ सोचे ही अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। सम एक्शंस आर वेरी फास्ट एंड ऑटोमेटिक, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो अपने आप ही हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं और बिल्कुल जल्दी होते हैं, वेरी फास्ट होते हैं। यू एक्ट विदाउट थिंकिंग, हम उसको बिना सोचे ही परफॉर्म कर लेते हैं, एक्ट कर लेते हैं। सच एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, उस एक्शंस को हम बोलते हैं जो बिना सोचे कर किया जाए परफॉर्म, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो कंट्रोल होता है, वो एक्शन किसके थ्रू कंट्रोल होता है, स्पाइनल कॉर्ड के। व्हेन अ थॉर्न प्रिक्स योर फिंगर यू फील द पेन इन द स्किन ऑफ द फिंगर, हमें फिंगर की स्किन पर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा जब हम उसको टच करेंगे। हेयर रिसेप्टर सेंस ऑर्गन इज स्किन, जो रिसेप्टर सेंस ऑर्गन है वो क्या है, हमारी स्किन है, उसी ने पता लगाया। द सेंसरी नर्व सेंड अ मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड, तो उस टाइम क्या होता है, जो सेंसरी नर्व्स होती है वो मैसेज पहुंचाती है स्पाइनल कॉर्ड को। द स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर द मोटर नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है उसको मोटर नर्व्स तक पहुंचाता है। एंड मोटर नर्व्स ऑर्डर मसल्स टू विदड्रॉ योर हैंड, देन जो मोटर नर्व्स है, मोटर नर्व्स का क्या काम है, मोटर नर्व्स का वापस उसको रिप्लाई करना और उसको मसल्स को बताना कि हाथ हटा लो वहाँ से, है ना। हेयर मसल्स आर द इफेक्टर ऑर्गन्स, रिसेप्टर ऑर्गन्स आर स्किन ऑफ आवर फिंगर एंड द इफेक्टर ऑर्गन्स आर मसल्स, है ना। हम हाथ को हटा लिया तो ये क्या हो जाएगी, मसल्स क्या हो जाएंगी, इफेक्टर ऑर्गन्स। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने पहले थॉर्न को टच किया, कांटे को टच किया यहाँ पर, उसके बाद क्या है, जो नर्व्स है वो मैसेज कैरी कर रही है स्पाइनल कॉर्ड को, बता रही है कि ये कांटा है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रही है, उसको वापस आंसर कर रही है, रिप्लाई कर रही है कि वो वहाँ से रिस्पॉन्स कर रही है कि वहाँ से इमिडिएटली हैंड को हटा लो, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में क्या आया कि उसने उसको हटा दिया फिंगर्स को, ठीक है। तो ये था आपका रिफ्लेक्स एक्शन, फर्स्ट चेक पॉइंट है आपका। फीलिंग द ब्लैंक्स, सेंसरी नर्व्स सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द किससे, सेंसरी नर्व्स किससे करती है, सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन, सो सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। मोटर नर्व्स सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द, जो मोटर नर्व्स है वो सिग्नल पहुंचाती है कहाँ से, फ्रॉम द ब्रेन टू आवर ऑर्गन्स या मसल्स।
फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स. यहाँ पर मसल्स की जगह आप ऑर्गन्स भी लिख सकते हो, सेंस ऑर्गन्स. नर्व सेल्स आर कॉल्ड न्यूरोन्स. जो नर्व सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूरोन्स. रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. जो रिफ्लेक्स एक्शन है किसके थ्रू होता है? ये कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड. द मेडुला इज ऑल्सो रेफर टू एज ब्रेन स्टेम. जो मेडुला है वो क्या रेफर करती है? एक तरह का ब्रेन स्टेम. ये ब्रेन है और ये उसकी स्टेम है, दैट इज मेडुला. सो योर फर्स्ट चेक पॉइंट इज कंप्लीटेड. इन द नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट आवर सेंस ऑर्गन एंड वी विल कंप्लीटेड दिस इन द लास्ट इन द नेक्स्ट डे. ओके. आईज, ईयर्स एंड नोज, टंग एंड स्किन, फाइव सेंस ऑर्गन वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट ईवी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.